हरियाणा के गुरुग्राम में शिवरात्रि के दिन डाक कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। झगड़े में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। यह पूरा विवाद डीजे को लेकर हुआ था। पहले तो मामला शांत हो गया, बाद में जल चढ़ाने के बाद दोनों गुट आमने सामने हो गए। झगड़े में दो गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई। घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। सेक्टर 12 में प्रेमनगर के रहने वाले दीपक कुमार ने बताया कि विवाद 27 जुलाई से शुरू हुआ। एक उनकी डाक कांवड़ थी, जबकि इसके इलाके में राज सिनेमा के सामने से दूसरी डाक कांवड़ निकली थी। रात 11 बजे उनकी कांवड़ आगे थी। दूसरे गुट ने बाहर से डीजे बुला रखा था। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कंपटीशन करो। उन्होंने मना किया तो वहाँ कहाँ सुनी हो गई। दूसरे पक्ष ने कहा कि आप जल लेकर आइए, फिर यहाँ लड़ाई करेंगे। दीपक ने आरोप लगाया कि शिवरात्रि की सुबह वह जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। सामने से दूसरा गुट भी आ गया। उनके हाथ में डंडे और तलवार थी। उन्होंने कहा कि हम जल चढ़ाकर आ रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में जल चढ़ाकर आ जाओ। इसके बाद दूसरे गुट ने उनके साथी से घर जाकर मारपीट की। रास्ते में जो भी मिला उसके साथ मारपीट की। मामा का लड़का रोहताश स्कॉर्पियो लेकर जा रहा था, उसके साथ मारपीट करते हुए गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। हमारे परिवार के 6 लोग घायल हुए हैं। ACP सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पार्टियां जल चढ़ा चुकी थीं। बाद में एक पार्टी ने अटैक कर दिया। अभी किस बात को लेकर अटैक किया, इसके लिए बयान दर्ज किए जाएंगे। जिन पर हमला करने का आरोप है वह सामने ही रहते हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एक स्कॉर्पियो और टाटा 407 में तोड़फोड़ की गई। बयान दर्ज करने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी।